जीन में 3 दिन पहले जीन निर्वाणा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित एक पोल्ट्री ट्रेडिंग के कार्यालय में अज्ञात बदमाशों द्वारा लाखों रुपए लूट कर मामले में पुलिस ने शुक्रवार को दो आरोपियों के स्केच जारी किए हैं। पुलिस ने स्केच पोल्ट्री ट्रेडिंग का काम करने वाले मालिक सत्य प्रकाश सैनी व उसके कर्मचारियों द्वारा बताए गए हुलिये व सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जारी किए। उल्लेखनीय है कि 3 दिन पहले मंगलवार को नरवाना रोड पर स्थित पोल्ट्री ट्रेडिंग के नाम से चौबारे पर कार्यालय बनाए पुरानी सब्जी मंडी के पास रूपनगर का रहने वाले सत्य प्रकाश सैनी से 4 अज्ञात बदमाशों ने दिन दिहाड़े हथियारों के बल पर लाखों रुपए की नकदी छीन कर फरार हो गए थे। इस मामले में 3 पुलिस टीमों को गठित किया गया है। इसमें 2 टीम CIA और 1 टीम शहर थाना पुलिस की है। मंगलवार को 27 तारीख को जो लूट हुई थी, इसमें हमने जो कंप्लेंट ने जैसा डिस्क्रिप्शन दिया उससे हमने स्केच भी बनवाए हैं और वो स्केच न्यूज़पेपर्स में भी जारी करे हैं। हमारे जो और व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी CIAs को भी भेजे हैं, जिससे कि अगर किसी को उनके बारे में कोई नॉलेज हो तो हमें इन्फॉर्म कर सकें। बाकी जो कंप्लेंट है उनके पास कौन कौन काम करते थे, किन्होंने काम अभी रिसेंट टाइम में छोड़ा है, उन सभी लोगों को वेरीफाई किया गया है जिनसे उनकी बिजनेस की डीलिंग्स थी। CCTV कैमरा जो कंप्लेंट था इसने तो लगवा नहीं रखा था, उसके जो सामने रोड अक्रॉस द रोड दूसरा एक जो ऑफिस था उसमें CCTV कैमरेज में एक फुटेज आई है, पर वो इतने क्लियर नहीं है इसलिए उससे स्केच नहीं बनवाए। कंप्लेनेंट से पूछ के जो 2-3 लोग थे जिन्होंने देखा है उन्हें और कंप्लेनेंट ने देखा है उनसे जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग हमने स्केच बनवाया। जीन से अजा TV न्यूज के लिए कैमरामैन ऋषि मेहंदी रत्ता के साथ सनी मोगो की रिपोर्ट।